मैं पहले दिन तो आई सी इस मोर्चे ते ते मैं सिर्फ स्टेज दे उत्ते आके बिल्ला बारे जानकारी देके चले जांदी सी बाद इस मोर्चे तो ये बुद्धू बनाउंदे ने भाई जी होर कुछ नहीं करते हैगे आपां इत्थे बैठे हैं यार अपने ना मंथन करके देखो खुद आप सोच के देखो भी साडे गाने क्यों खराब होए साडे आगू ने जिहड़ा करप्ट क्यों होए किते ना किते आपां अपने आप नूं कटहरे च खड़ा देखांगे आपां अपने आप नूं दोषी पावांगे क्यों असी चेतन नहीं सी असी इन्हां नूं सवाल नहीं सी करदे कोई कलाकार है साडे ब्याह च गाउंदा होवे कोई माड़ा गाना गा दे आपां जदे जे उहनूं सवाल करिए भी दस भी क्यों गाया इत्थे साडियां कमियां ने सो भरावो अगे नहीं आपां इह कमियां लैके जाणियां इह जिहड़ा 2020-2021 है इह दुबारा जिहड़ा पंजाब दा सुनहरा भविख लिख देवे इदां दी आपां चेतनता लैके जाणी है बाकी चलो अगे आपां जिहड़ा हैगा सोनिया मान जी दे कुछ विचार ने उह सुणदे उस तों बाद भाई हरफ जीमा आ जाओ जी सत श्री अकाल सारिआं नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह सब तो पहलो तो महिला दिवस आज सारिआं नूं लख लख वधाइयां सो सारिया बीबिया भैणां मैनूं लगता इस मोर्चे दे विच वध तों वध उहनां नूं भी आउणा चाहीदा है जिवें कि मैं पहले दिन तो आई सी इस मोर्चे ते ते मैं सिर्फ स्टेज दे उत्ते आके बिल्लां बारे जानकारी दे के चले जांदी सी बाद चो मैनूं लगा कि साडे इत्थे मोर्चे दे विच बीबियां दी ते भैणां दी शमूलियत भी ज़्यादा होनी चाहीदी है इस करके असीं डिफरेंट बॉर्डरस दे उत्ते जांदे सीगे भावें सिग्गू बॉर्डर हो गया पलवल बॉर्डर हो गया गाजियाबाद बॉर्डर हो गया सारिआं ते जाके जथेबंदियां वल्लों जिथे भी ड्यूटी लाई जांदी सीगी उत्थे जाईदा सीगा ते मैं इस सारिआं दे विचों मतलब मैं अज कहनी हाँ भी मैं पहले कलाकार सी मैं किसान की धी बन के आई सी पर मैनूं यह नहीं पता सीगा कि मैं इतों बहुत कुछ गेन करके जाऊंगी इस मोर्चे तो और मैं जिदन मैं ये देखना शुरू किया कि मैं क्या मैं स्टेज पर आके बोलती हाँ और बहुत सारे लीडर्स होर भी इतने आके बोलते हैं साडे किसान जथेबंदियों के आगू भी इतने आके बोलते हैं और बहुत सारिया वधिया गल्लां दस के जाते हैं तो मैं होर यह जहाँ की कर सकती हाँ अपने मोर्चे के जिद मैं कुछ करा है ना मैं अपन बीबियां कि सहूलत प्रोवाइड कर सकती हाँ मैं उन्होंने की दे सकती हाँ तो मैं माई भागो जी के नाम के उत्ते रहन बसेरा बनाया सीगा टिकरी बॉर्डर से जिथे मैं 2500 औरतों का रहन का इंतजाम किया मैं कि साड़िया औरतों भी आके माई भागो की विरासत के असी आने उन्होंने जंगा लड़िया सगिया क्यों ना असी भी आके अपने भरावान के नाल अपने बाप के नाल अपने बापू के नाल मोढ़े के नाल मोढ़ा जोड़ के इस जंग का हिस्सा बन सकी एक एग्जाम्पल सैट कर सकीए क्योंकि यह अंदोलन साडा हिस्ट्री क्रिएट करूगा सो मैं यही अपनिया भैणां डिफरेंट सैक्टर्स दे विच साडियां भैणां ने डॉक्टर प्रोफेशन दे विच ने आर्मी दे विच ने इंजीनियर ने मैं सारिआं तों यही एक्सपैक्ट करदी हां कि जरूरी नहीं कि कलाकार ही आके स्टेज दे उत्ते बोल के यूथ आईकॉन बन सकदे ने तुहाडे विचों भी उठ के इत्थे स्टेज दे उत्ते आके यूथ आईकॉन्स बन सकदियां ने मैं जे एक माई भागो निवास बना सकदी हां मैं चाहुंदी हां तुसीं लखां दी गिनती दे विच इत्थे माई भागो निवास बना सकदे हो हिम्मत दी लोड़ है मैनूं भी लगा सीगा कि मैं पहले दिन बहादुरगढ़ दे विच जाके किवें कर लूंगी इत्थों दी लोकां दे नाल लोकल लाइट्स दे नाल किवें गल करूंगी किवें प्रबंध करूंगी पर मैं ये सोचदी हां भी जिथे तुहाडी पॉजिटिव थिंकिंग हुंदी है जे तुसीं सोच के चल्लिओ कि असीं इह कर सकदे हां ते तुसीं कुछ भी कर सकदे हो कोई भी चीज इम्पॉसिबल हैगी नहीं गी बाकी मैं ये गल कहना चाहनी हाँ मैं अपने पॉइंट्स लेके आई हाँ क्योंकि मैनू इन्ना एक्सपीरियंस नहीं हैगा स्टेज दे उत्ते बोलन दा पहली बारी इस मोर्चियां दे उत्ते आके साडी किसान जथेबंदियां वल्लों ड्यूटियां लगदियां हैं ते असीं मैं बोलदी हाँ बाकी मैं अपने बारे यही दसना चाहनी हाँ कि मेरे पिता सरदार बलदेव सिंह मान उन्होंने भी शहादत दित्ती सीगी किसानां वास्ते मजदूरां वास्ते सो मैं उन्होंने ही मैं उन्होंने कभी देखा तो नहीं मैं बचपन दे विच बट मैं उन्होंने रूप दे विच अपने किसानां विच जिन्हें मेरे बापू ने मेरे बाबे ने मैं सवेर तो लेके शाम तिकर तक मैं उन्होंने सेवा करती हाँ तो मैं उन्होंने उन्होंने लभदी हाँ तो उन्होंने उन्होंने प्यार मैनू मिलता है सो मैं अपनिया होर मैं कुछ पॉइंट्स जिवें मैनू मेरे करियर वास्ते भी हुणे मेरी हिंदी फिल्म आई सी मैनू बहुत सारे लोग कहिंदे सीगे कि तू अपना करियर छड के तैनू कहां काम नहीं मिलना तैनू बॉलीवुड च किसी ने काम नहीं देना तू अंबानिया अंडानिया के खिलाफ बोलदी है तू मोदी के खिलाफ बोलदी है पर मैं उन्होंने एक जवाब दिता कि जिथे एक साइड के उत्ते मेरे पिता ने एड्डी वड्डी शहादत दित्ती सीगी मेरे मजदूरों वास्ते मेरे किसानों वास्ते इत्थे मेरे बापू रोज शहीद हो रहे ने इन्नी ठंड दे विच मैं इह जिहा करियर की करना है मैनू इह जिहे करियर की लोड़ नहीं सब तो पहलो मैनू मेरे किसान सब तो पहलो मेरे बाप की शहादत मेरे बुजुर्ग उस तो बाद मेरा करियर कोई होगा
सब तो पहलो मेनू मेरे किसानां दा हक दवा के इथों जाना है। जदों तक ओ इथों नहीं उठणगे मैं भी इथे बैठूंगी। जेड़ी गोली सब तो पहलो मेरी हिक च वजूगी बाद दे विच मेरे बापूआं तक जाऊगी। ए सोच लैके मैनू लगदा है कि मेरे पंजाब दी हरियाणे दी हिंदुस्तान दी एक एक धी नूं अगे आके ए गल करनी चाहीदी है। करियर नौकरियां बाद च हुंदियां रहणगियां, सब तो पहलो अपने बापूआं दे नाल इथे सानू खलोना चाहीदा है। बाकी होर सब तो वड्डी मैं गल कहना चाहुंदी हां कि मोदी सरकार ने आरएसएस ने हर एक स्टेट दे विच दंगे फसाद ही करवाए है, भावे गुजरात दे विच करवाए होण, भावे उन्होंने पिछे जाट अंदोलन करवाया सीगा, महाराष्ट्र दे विच कराए सीगे, साडे पंजाब दे विच इन्हां ने धर्म दे नां दे उत्ते दंगे फसाद करवाए है। इह एक्सपैक्ट करदे कि 26 तरीक नूं वी असीं कोई ना कोई दंगे फसाद करवाईए, इन्हां दा अंदोलन खराब करिए, क्योंकि साडा अंदोलन हुण तक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, UNO ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਵੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਿਓ, ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ, ਲਾਲ ਸਲਾਮ। ਅਗਲੇ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੱਲਾ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿਮ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਤੋੜੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਬਾਈ, ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ MLA ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮਾੜਾ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ, ਪਰ